राजभवन में खड़ा हूं, मैं फिर वहीं पर आता हूं, रामचरित मानस पढ़िए अपनी दादी के पास बैठ के, अपने दादा के पास बैठ के। राम का धैर्य देखिए, राम का धैर्य विष्णु का धैर्य नहीं है। मुझे क्षमा करें, भगवान है विष्णु, लेकिन वो तटस्थ धैर्य है, आराम से लेटे हुए हैं क्षीर सागर में शैया बना के प्रेम पूर्वक। माता लक्ष्मी पैर दबा रही है, ऊपर श्रेष्ठ राम का फन है, देख रहे हैं दुनिया में चल क्या रहा है, मूर्ख कर क्या रहे हैं, ये हो क्या नाटक रहा है। राम का धैर्य तो जीवित रहते हुए उसी व्यवस्था का धैर्य है। राम को प्रवोक करने की एक हरकत दुनिया नहीं छोड़ी पुत्र के रूप में। सोचिए वो लड़का कैसा होगा, वो व्यक्ति कैसा होगा जिसका राज्याभिषेक होना जा रहा है और एक सेकंड में पता चला कि वन चलो कपड़े उतारो, अब ये वलकल पहनो, पत्नी को लो और निकलो। कितना कठिन समय। लेकिन राम, राज्याभिषेक होगा, मैं राजा बनूंगा, इस पर प्रसन्न नहीं है, और मुझे वनवास मिल गया, इस पर दुखी नहीं है। यही राम होना, यही राम होना है। लोग समझते हैं जंगल में पोस्टिंग, लोग समझते हैं कोने में पोस्टिंग, लोग समझते हैं वहां काम करना है तो कैसे काम होगा, मेरे लिए तो पनिशमेंट हो गया। यही अवसर है जो आपको ईश्वर दे रहा है। दशरथ के पुत्र राम जब तक अयोध्या में रहे, युवराज राम कहलाए, श्री राम कहलाए, और जब जंगल जाकर लौटे तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम कहलाए। इस पूरी यात्रा ने उन्हें भगवान बनाया, इस धैर्य ने उन्हें भगवान बनाया, और अद्भुत धैर्य है उनके पास। उनका अपमान करके कोई चला जाता है, वो धैर्य के साथ मुस्कुराते रहते हैं। उनकी पत्नी का हरण हो जाता है, उसके बाद भी वो धैर्यपूर्वक पूरी व्यवस्था करते हैं। और एक बात सोचना आप सब लोग, राम, मैं अक्सर इस बात पर बहुत अंदर तक थ्रिल रहता हूं। राम अयोध्या से चले, उस समय का सबसे बड़ा खानदान था वो, हिंदुस्तान में जो कुछ भी बड़ा था उन्हीं क्या पैदा हुआ, इक्ष्वाकु, अज, रघु, दिलीप, पुरवा, ययाति, नहुष, दशरथ, सब बड़े आदमी उन्हीं क्या, भारत का नाम जिस पर रखा गया वे भी उन्हीं क्या पैदा हुए, भरत, सब उन्हीं क्या पैदा हुए। लेकिन उसके बाद भी जब राम एक वलकल पहनकर चले तो रास्ते भर में राजाओं को भी तो पता चला होगा कि भाई दशरथ का लड़का जा रहा है, वो भी तो मिलने आना चाहते होंगे, राम उनसे सहायता भी ले सकते थे। जिस पंचवटी में मां सीता का हरण हुआ है वो तो उनकी नंदसाल के बिल्कुल बगल में, कौशल प्रदेश में, रायपुर में, वो बिल्कुल बगल में थे। वो अपने नाना से कह सकते थे, अपने मामा से कह सकते थे कि साहब आप जरा मेरी सहायता करो, मेरी पत्नी का अपहरण हो गया, सेना दे दो जरा मैं चलूंगा। उन्होंने ऐसा नहीं किया, उन्होंने एक भी राजा को अपने साथ नहीं लिया, उन्होंने रास्ते भर आप जैसे और हम जैसे लोगों को साथ लिया। किनको? सामान्य वंचितों को, दलितों को, उन्होंने वनवासियों को साथ लिया, उन्होंने मल्लाहों को साथ लिया, उन्होंने मां शबरी का आशीर्वाद लिया, उन्होंने केवट को साथ लिया, उन्होंने वंचित सुग्रीव को गले लगाया, क्योंकि वो जानते थे कि जिस अनाचार से वो लड़ने के लिए जा रहे हैं वहां धनिकों की और राजाओं की नहीं, सदाचार की आवश्यकता पड़ेगी, वहां आत्मा की दीप्ति की आवश्यकता पड़ेगी। तो राम का यह धैर्य ही उन्हें विजेता बनाता है। भाई रावण को तो बाली हरा चुका था पहले, आपने कहानी सुनी होगी, रावण को तो शहसबाऊ भी हरा चुका था। रावण कोई ऐसा अर्जेंटीना नहीं था, ऐसा ब्राजील नहीं था कि हराना मुश्किल था, उसको तो हरा चुके थे दोनों। बाली तो उसको अपने बगल में दबाकर, और उसने किले की दीवार का चक्कर लगा दिया था बाली ने, जब हनुमान को बांधा है और हनुमान से रावण ने कहा कि तू मुझे जानता नहीं मैं कौन हूं, तो हनुमान ने क्या कहा, हाँ जानता हूं वो बाली वाला, मैंने सुना था आपकी लड़ाई बहुत, परिचय मेरा आपसे। हनुमान ने क्यों कहा, ताकि उसका कॉन्फिडेंस लूज हो। लेकिन भगवान जब बाली और सुग्रीव के जनपद में पहुंचे तो उन्होंने बाली का साथ नहीं दिया, उन्होंने वंचित को चुना, वो उसके साथ खड़े रहे जिसका अधिकार छीना गया, जिसका राज्य छीना गया, जिसकी पत्नी तारा का बलात् अपहरण किया गया है, और उन्होंने बाली का वध किया, जबकि बाली भी उनका प्रशंसक था, उनका भक्त था। मरते समय बाण लगने के बाद प्रणाम की मुद्रा में बाली ने पूछा है भगवान से, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, अवगुण कवन नाथ मोहि मारा, मैं बैरी हो गया, सुग्रीव आपका प्यारा हो गया, मुझ में ऐसा कौन अवगुण था मुझे मार दिया। तो राम ने उसको उत्तर दिया कि अनुज वधु भगिनी सुत नारी, छोटे भाई की पत्नी, भगिनी बहन, सुत नारी बेटे की पत्नी, सुन सठ कन्या सम ए चारी, हे मूर्ख, ये चारों बेटी के बराबर होती हैं, इन्हें कुदृष्टि बिलो कहीं जो है, इन्हें गंदी दृष्टि से जो देखता है उसका वध करने में पुण्य मिलता है, पाप नहीं होता है। ये उसको उत्तर दिया उन्होंने भगवान। अगर भगवान की विजय अपने लिए होती, अगर धैर्य ना होता तो वो बाली को लेकर चल देते। बाली हरा चुका था, उन्होंने कहा नहीं बाली तू नहीं चाहिए, तू नालायक है, तूने इस छोटे भाई को मारा है, इसकी पत्नी का हरण किया, मैं तेरा तो वध करूंगा, ये वंचित है इसे लेके चलूंगा। तो राम ने क्या किया, राम के साथ जितने लोग हैं, राम का धैर्य अद्भुत है, और यहां जो अध्यापक है उनसे निवेदन है,
राम की लीडरशिप क्वालिटी अद्भुत है। राम ऐसे ही राम नहीं बने, मत पढ़िए हिंदू होकर। इस परिसर में बहुत सारे इस्लाम मतावलंबी हमारे दोस्त बैठे होंगे और किसी जाति धर्म के लोग बैठे होंगे, कहानी की तरह पढ़िए और फिर देखिए कि राम जैसा लीडर कहीं नहीं है। वो उस व्यक्ति की क्वालिटी को डेवलप करते हैं, उसे इंस्ट्रक्ट नहीं करते। उन्होंने सुग्रीव की क्वालिटी को डेवलप किया। एक ऐसा डिप्रेस आदमी जिसका जिसकी पत्नी का हरण हो गया, जिसका राज्य छीन लिया गया, भाई ने लात मार के भगा दिया, उसको उन्होंने कल्टीवेट किया और सुग्रीव महारथी के रूप में बना। और उस युद्ध में सुग्रीव की महत्वपूर्ण भूमिका रही। जिस समय हनुमान लंका के लिए रवाना हुए, आप रामचरितमानस पढ़िए, अध्यात्म रामायण पढ़िए, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण पढ़िए, कम्बन की रामायण पढ़िए, कहीं नहीं लिखा हुआ कि उन्होंने हनुमान से क्या कहा कि तुम क्या करना। आज हम कितने फ्रस्ट्रेटेड हैं, आज हम लीडरशिप डेवलपमेंट की बात करते हैं, हम ड्राइवर को एक जगह भेजते हैं सामान लेने के लिए, 5 बार बताते हैं उसे, क्योंकि हमें उस पर भरोसा नहीं है, हम उसकी लीडरशिप डेवलप नहीं होने देना चाहते। राम लीडरशिप डेवलप करते हैं। राम ने हनुमान को नहीं बताया कि तुम्हें जाके क्या करना है, उन्होंने कहा बस जाकर देख कर आओ कि सीता कैसी है, कहां है, और उन्हें आश्वस्त करके आओ कि मैं आऊंगा। 2 बातें। इसके बाद का जो पूरा घटनाक्रम है, छोटा सा रूप बनाना, अंदर जाना, लंकिनी को मारना, मां सीता को वो मुद्रिका देना, फल खाना, खुद ही गिरफ्तार हो जाना, आग लगा देना। आग लगाना मतलब वो राम का विजिटिंग कार्ड दे के आए, हाँ मतलब बता के आए वो कि जो आ रहा है हम उसका कार्ड है। मैनेजमेंट का बेस्ट उदाहरण है हनुमान, एम्प्लॉयर का 1 रुपया खर्च नहीं कराते वो, 1 पैसा नहीं। भगवान ने कहा कि वहां जाओ खुद ही, मतलब खुद ही टेक ऑफ, खुद ही लैंडिंग, और सारा पैसा हनुमान का, उसका, रावण का। भाई हनुमान जबरदस्ती गिरफ्तार हुए स्वयं में देखने के लिए कि कौन है, तो कहा गया भाई इसकी बानर को पूंछ से बहुत प्यार होता है, इसकी पूंछ पे कपड़ा बांध दो। कपड़ा किसका? रावण का। बोले इस पे तेल लगाओ। तेल किसका? रावण का। जली किसकी? बेस्ट एम्प्लॉय, सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति, कोई नानुकर नहीं। भगवान राम के जीवन में जो 2 कठिन समय आए उन दोनों में उन्होंने पार लगाई। उनसे कहा गया कि भाई मेरा भाई ये बीमार है, सोचो राम पर कैसी बीती होगी। भगवान राम के जीवन का सबसे कठिन रात वो है जब उनके भाई को मूर्छा आई। उस रात राम कितने भी ईश्वर हो, मनुष्य रूप में जी रहे थे, मन में ये तो आई होगी यार अयोध्या जाके क्या कहूंगा, पत्नी का अपहरण हो गया, भाई का युद्ध में मारा गया। ऐसे समय में हनुमान काम आए और हनुमान गए, वहां कंफ्यूजन हो गया कि कौन सी संजीवनी बूटी, मेडिकल स्टोरी लिया है पूरा। बोले भाई इसमें से देख लो कौन सी है। तो 2 बातें हुई, पहली हुई जिज्ञासा, दूसरी हुई धैर्य, तीसरी हुई आपको क्राफ्ट करने वाले लोगों में कि आप लीडरशिप डेवलप करें, आपके अंदर नेतृत्व की क्षमता डेवलप हो। और नेतृत्व की क्षमता का शिक्षा से कोई मतलब नहीं है।